नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे करेले के पत्ते के औषधीय गुण और इसके कुछ फ़ायदों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, करेले के पत्ते कोई आम पत्ते नहीं होते हैं। इनमें सेहत के लिहाज से काफ़ी सेहत का खजाना इन्हें माना जा सकता है, क्योंकि इनमें बहुत सारे स्वास्थ्यवर्धक लाभ और गुण छुपे हुए होते हैं। दोस्तों, करेला औषधीय गुणों से भरा हुआ कड़वा लेकिन सेहत के लिए कुदरत का दिया हुआ मीठा वरदान है। आप चाहे इसकी सब्जी बनाकर खाएं या फिर इसका जूस निकाल कर पिएं, हर तरह से यह स्वास्थ्यवर्धक ही होता है। करेले की सब्जी के अलावा इसके पत्ते भी सेहत के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेले की पत्तियों से स्वास्थ्य को होने वाले फ़ायदे, उपयोगी घरेलू नुस्खे और उपाय आदि के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर इसके फ़ायदों की बात करें तो मलेरिया में इसका काफ़ी उचित फ़ायदा होता है। करेले की पत्तियों को खाने से मलेरिया की बीमारी से आराम मिलता है, क्योंकि कड़वे पत्तों वाला साग मलेरिया की बीमारी को दूर करते हैं। दरअसल इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एस्ट्रीजेंट गुण पाए जाते हैं, जो मलेरिया के बुखार को कम करने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा दोस्तों, रक्त में गंदगी होने पर वायरस हमारे शरीर को ज़्यादा बीमार बना सकते हैं, जिससे आपको कमजोरी, थकान, दर्द और एलर्जी की समस्या हो सकती है। ऐसे में करेले की पत्तियों का रस निकाल कर पीने से खून की सफाई हो जाती है और साथ ही इससे शरीर तंदुरुस्त रहता है, स्किन चमकदार बनती है और कील मुहासे, दाग धब्बे भी दूर हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मधुमेह की बीमारी के उपचार के लिए करेले की पत्तियां रामबाण औषधि की तरह काम करती है। करेले के पत्तों को खाने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। इसमें विसिन और पॉलीपेप्टाइड पी जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखते हैं। इसके अलावा दोस्तों, प्रतिदिन करेले की पत्तियों का सेवन करने से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचने में मदद मिलती है। इसमें कैंसर सेल्स को ख़त्म करने में भी आसानी होती है। इसमें एंटी कैंसर तत्व पाए जाते हैं, जो कैंसर पैदा करने वाली कोशिकाओं में ग्लूकोज का पाचक रोक देते हैं, जिससे इन सेल्स की पावर समाप्त हो जाती है और कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है। पीरियड्स के पाँचवें दिन करेले के पत्तों का रस निकाल कर पीने से गर्भ नहीं ठहरता है। दरअसल इसमें एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, जो पुरुषों और स्त्रियों में गर्भ निरोधक की भांति कार्य करता है। कई छोटी छोटी बीमारियां ऐसी हैं जो आमतौर पर फंगल, वायरस या बैक्टीरिया की वजह से होती है। करेले की पत्तियां एंटी माइक्रोबियल गुणों से भरपूर होती है, जो किसी भी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम, पेट से जुड़ी बीमारियों से बचने में कारगर होती है। हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होने पर रोजाना करेले की पत्तियों को खाने की सलाह दी जाती है, इससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल बना रहता है। करेले की पत्तियों में कैल्शियम और पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जिससे इसका सेवन करने से ब्लड प्रेशर को कम करने में काफ़ी आसानी होती है। दोस्तों, यह दोनों मिनरल्स हाई ब्लड प्रेशर के लिए जिम्मेवार सोडियम के लेवल को बढ़ने से रोकते हैं और फिर ऐसे में किडनी को भी डैमेज होने से या आसानी से बचा पाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा करेले के पत्तों में विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें खाने से बॉडी का इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है। विटामिन ए और सी अच्छे एंटी ऑक्सीडेंट की भांति काम करते हैं। साथ ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बॉडी के मेटाबॉलिज्म रेट को सही बनाए रखता है। दोस्तों, करेले के पत्तों का रस गुलाब जल में मिक्स कर दांत पर लगाएं, इससे एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो दांत के इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकता है। इससे दांत के इलाज में काफ़ी ज़्यादा मदद भी आपको मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थे इसके कुछ अमूल्य और कुछ औषधीय गुण और फायदे। लेकिन दोस्तों, इसके ज़्यादा सेवन से या इसके सेवन से उन लोगों को नुकसान हो सकता है
जो इसको सूट नहीं करते हैं और इसे के क्या क्या नुकसान होते हैं, इनको जान लेना भी आपके लिए ज़रूरी होती है। तो चलिए जानते हैं किन किन रूपों में इस करेले के पत्तियों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, नुकसानों की जहाँ तक बात आती है तो गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भपात होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। इसके अलावा करेले के पत्ते ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण करने में कारगर होते हैं, लेकिन कभी भी इसे डायबिटीज़ की दवाई के साथ नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से ब्लड शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर सकता है। दोस्तों, करेले की पत्तियों के सेवन से कई लोगों को एलर्जी भी हो सकती है, इसलिए इसे लेने से पहले आपको थोड़ा सा सोच विचार जरूर कर लेना है। अगर आपको इससे किसी भी किस्म की एलर्जी होती है तो आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा जिन लोगों को इससे कोई एलर्जी नहीं है वो इनका सेवन कर सकते हैं और इसके फ़ायदों का लाभ उठा सकते हैं। तो देखा दोस्तों, करेले के पत्तों में कितनी सारी स्वास्थ्यवर्धक गुण छुपे होते हैं और कितना यह फ़ायदेमंद स्वास्थ्य के लिए होता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो और जानकारी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।